नमस्कार, मैं हर्ष रॉय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए कमाल के फ्रेश वीडियो में। मित्रों, आज किस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के बारे में। आपको आज से लगभग बहुत दिन पहले से व्हाट्सएप से रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिल रहा था, जानकारी देखने को मिल रहा था कि आपको बहुत ही जल्द व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक का आपको फीचर देखने को मिलेगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये व्हाट्सएप में मौजूद है। अगर व्हाट्सएप के बीटा वर्जन का प्रयोग करते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप को फिंगरप्रिंट लॉक के माध्यम से अपने व्हाट्सएप को लॉक करके रख सकते हैं और अपने व्हाट्सएप को अपने फिंगरप्रिंट से ही एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट से रिलेटेड फीचर जो है वो देखने को मिल गया है, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए ये आपको बीटा वर्जन में ही उपलब्ध है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं और इससे आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, अपने डिवाइस का सिक्योरिटी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपने प्राइवेसी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस प्रकार के वीडियो देख पाएं। अगर आप अपने व्हाट्सएप में इस फिंगरप्रिंट का जो फीचर देखने को मिल रहा है वो उसे आप इनेबल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को बीटा वर्जन में डालना होगा। अगर आप व्हाट्सएप के बीटा यूजर हैं तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगर आप बीटा वर्जन है तो बहुत कमाल की बात है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको जहाँ पे लिव देखने को मिल रहा है, ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ से व्हाट्सएप के बीटा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करके ओपन करना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने फिंगरप्रिंट का जो लॉकिंग सिस्टम है वो लगा रखा है, इसलिए वो फिंगरप्रिंट लॉक आपको वहाँ पर देखने को मिल गया। आपको ऊपर साइड में 3 डॉट देखने को मिल रहा है राइट साइड में, उसे आपको एक बार टैप करना है। यहां पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसे एक बार टैप करना है। जैसे ही टैप कीजिएगा बहुत सारे यहां पे ऑप्शन है, जहां पे अकाउंट है, चैट से, नोटिफिकेशन, डेटा एंड स्टोरेज यूजेस, हेल्प, इनवाइट अ फ्रेंड। आपको जो अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसे एक बार टैप करना है। जैसे ही आप टैप कीजिएगा जो प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है एक बार इसे आप टैप कर लीजिए, आप नीचे चले आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो इनेबल है, आप में वो डिसेबल शो करेगा, जस्ट वो ऐसा रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल शो कर रहा है, आपको इसे एक बार टैप करना है, जो डिसेबल शो कर रहा है इसे आपको एक बार टैप करना है और आपको अपने फिंगरप्रिंट को यानी कि आपका जो फिंगर है उसे अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पर ले जाना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके फिंगरप्रिंट आपके व्हाट्सएप में लगा देगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कितना देर में यहाँ पे लॉक करवाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप इमीडिएटली कीजिएगा तो वो इमीडिएटली लॉक हो जाएगा, व्हाट्सएप से बाहर आइए इमीडिएटली वो लॉक हो जाएगा। आफ्टर 1 मिनट अगर आप टैप करते हैं व्हाट्सएप से बाहर आइए, आफ्टर 1 मिनट व्हाट्सएप लॉक हो जाएगा, आपको फिर से फिंगरप्रिंट देने की आवश्यकता होगी। अगर आप आफ्टर 30 मिनट करते हैं तो वो 30 मिनट के लिए, जैसे ही आप व्हाट्सएप से बाहर आते हैं तो 30 मिनट के लिए अगर आप व्हाट्सएप पे वापस नहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपको 30 मिनट तक आपका जो फिंगरप्रिंट है वो मांगेगा नहीं, फिर 30 मिनट के बाद आपका जो फिंगरप्रिंट है वो मांगना आरंभ कर देगा। लिटरली जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाता हूँ, मैं वापस प्ले स्टोर पर चले जाता हूँ और जैसा कि मैंने 30 मिनट सेलेक्ट करके रखा है, मैं ओपन करूँगा तो 30 मिनट तक देखिए यहाँ पे मेरे को ये नहीं मांग रहा, डायरेक्ट ओपन हो गया। अगर ये मैं इमीडिएटली करता हूँ और वापस मैं आ जाता हूँ प्ले स्टोर पे और फिर से ओपन करता हूँ व्हाट्सएप, देखिए यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट लॉक है इसकी मांग इन्होंने कर दी, मेरे को फिंगरप्रिंट यहाँ पे सटाना पड़ा, यानी कि जो फिंगर है उसे फिंगरप्रिंट सेंसर पे प्लेस करना पड़ा, तब ये जो फिंगरप्रिंट लॉक है इजिली इनेबल या फिर ओपन हो पाया, अनलॉक हो पाया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप के सिक्योरिटी को, अपने व्हाट्सएप के प्राइवेसी को और भी बेहतर और भी कमाल का कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो व्हाट्सएप में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिला है उसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप बीटा टेस्टर नहीं बनना चाहते हैं, बीटा वर्जन यूज़ करना नहीं चाहते हैं, वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी फ्यूचर में नॉर्मल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेबल वर्जन में भी देखने को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम का जो आपको फीचर देखने को मिला है इसका प्रयोग कैसे कीजिएगा, इससे अपने प्राइवेसी को कैसे बेहतर बना सकिएगा और साथ ही साथ अपने डिवाइस के सिक्योरिटी को कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो को पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।